हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड कोड टॉप स्कूल 50। आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेरीज क्वालिटी एंड परसेंटेज, ये वाला हमारा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया है जिसका नाम है क्वेरीज नाम का टेबल है, और इसमें हमारे पास चार कॉलम है, क्वेरी नेम, रिजल्ट, पोजिशन और रेटिंग, चार कॉलम है। और टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है कि दिस टेबल मे हैव डुप्लीकेट रोज, दिस टेबल कंटेंस इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम सम क्वेरीज ऑन अ डेटा बेस। और उसके बाद बोला है कि जो पोजीशन कॉलम है उसका वैल्यू 1 से 500 के बीच में है, और जो रेटिंग का कॉलम है उसका वैल्यू 1 से 5 के बीच में रहेगा, और जो क्वेरी जिसका रेटिंग 3 से कम रहेगा उसको हम लोग कहेंगे पुअर क्वेरी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद कुछ डेफिनेशन दिए कि वी डिफाइन क्वालिटी, क्वालिटी डिफाइन किस तरीके से किया गया, ये है एवरेज ऑफ द रेशियो बिटवीन क्वेरी रेटिंग एंड पोजीशन, मतलब रेटिंग डिवाइडेड बाय पोजीशन, रेटिंग और पोजीशन का जो रेशियो है उसको हम लोग उसको बोलेंगे हम लोग क्वालिटी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा एक चीज़ डिफाइन किया गया है पुअर क्वेरी परसेंटेज। पुअर क्वेरी परसेंटेज का डेफिनेशन है कि ये परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑल क्वेरीज विथ रेटिंग लेस देन 3, मतलब ऐसा क्वेरी जिसका रेटिंग 3 से कम होगा उसका परसेंटेज निकालेंगे उसको बोलेंगे पुअर क्वेरी परसेंटेज। तो ये दो डेफिनेशन दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ईच क्वेरी नेम, क्वेरी नेम लिखना है, क्वेरी नेम का जो कॉलम है हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब टेबल इनपुट टेबल में है क्वेरी नेम, तो हमें क्वेरी नेम दिखाना है, शो कराना है, क्वेरी नेम, क्वालिटी और पुअर क्वेरी परसेंटेज। तो तीन चीज़ हुआ, क्वेरी नेम जो कि हमारे इनपुट टेबल में है, क्वालिटी जिसका डेफिनेशन हमें यहाँ पे बोल दिया, क्वालिटी क्या है, एवरेज ऑफ द रेशियो बिटवीन रेटिंग एंड पोजीशन, रेटिंग डिवाइडेड बाय पोजीशन करेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे वही होगा हमारा क्वालिटी। और पुअर क्वेरी परसेंटेज का भी डेफिनेशन बोला है, ये बेसिकली परसेंटेज है उन क्वेरीज का जिसका रेटिंग लेस देन 3 है। तो ये तीन चीज़ हमें बोला है। उसके बाद बोला है कि जो क्वालिटी और पुअर क्वेरी परसेंटेज है इसको 2 decimal प्लेसेस तक हमें राउंड ऑफ करके दिखाना है, और उसके बाद इस चीज़ को हम लोग किसी भी ऑर्डर में दिखा सकते हैं। तो इनपुट टेबल में हमारे पास जो क्वेरी नाम का टेबल है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है, इस टेबल में हमारे पास क्वेरी नेम है डॉग, डॉग और कैट है, तो मतलब हमें हर एक क्वेरी का दिखाना है, हर एक क्वेरी नेम का। तो बेसिकली हम लोग ग्रुप बाई किससे करेंगे, क्वेरी का नेम से करेंगे। यहाँ पे हमें देख भी सकते हैं कि 3 बार डॉग था और 3 बार हमारा कैट दिया हुआ है, लेकिन आउटपुट टेबल में बस 1 बार डॉग और 1 बार कैट है, मतलब जो भी डॉग का जो भी हमें दिखाना है, शो कराना है, उसको ग्रुप बाई करना है, मतलब हमें क्वेरी नेम से ग्रुप बाई करना पड़ेगा। और क्वालिटी क्या है, क्वालिटी का मतलब हुआ हमारा रेटिंग डिवाइडेड बाय पोजीशन, रेटिंग डिवाइड बाय पोजीशन का मतलब ये जो रेटिंग है ये और पोजीशन है ये, तो मतलब 5 divided by 1, और ये क्या है, एवरेज है, जो क्वालिटी है वो क्या है, एवरेज है, दोनों का डिवाइड करने के बाद जो एवरेज निकलेगा वो होगा हमारा क्वालिटी। तो 5 divided by 1 करेंगे प्लस 5 divided by 2 प्लस 1 divided by 200 रेटिंग बाई पोजिशन करेंगे, तो ये जो भी इसका ऐड करने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका एवरेज निकाल देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा डॉग का क्वालिटी। वो चीज़ यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि डॉग का जो क्वालिटी है वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा है 5 divided by 1 प्लस 5 divided by 2 प्लस 1 divided by 200 रेटिंग डिवाइड बाई पोजिशन किए, और ये सबको ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका, इन सबका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एवरेज हमने निकाला किसका, डॉग का। अब इसी तरीके से कैट का भी एवरेज निकालेंगे, क्वालिटी क्या, क्वालिटी के लिए 2 by 5 पहले, उसके बाद 3 by 3 प्लस 4 by 7 सबको ऐड करेंगे, और तीन बार है ये चीज़, तो 3 से हम लोग इसको टोटली डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा कैट का हमारा क्वालिटी। यहाँ पे देख सकते हैं 2 by 5, 3 by 3, 4 by 7 सबको ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर दिए, और उसके बाद हमें निकालना है पुअर क्वेरी परसेंटेज। पुअर क्वेरी परसेंटेज को हमें क्या बोला गया, वो रेटिंग्स, मतलब वो क्वेरी जिसका रेटिंग 3 से कम है। तो हम लोग यहाँ पे अगर सिर्फ डॉग का देखा जाए तो यहाँ पे डॉग की रेटिंग में 5, 5 और 1 है, तो 5, 5 तो 3 से ज़्यादा है, लेकिन 1 जो है उसका रेटिंग 3 से कम है, तो क्या हुआ हमारे यहाँ पे परसेंटेज 1 divided by 3। ठीक है, मतलब टोटल 3 है, उसमें से 1 का जो हमारा रेटिंग है वो 3 से कम है, तो 1 divided by टोटल कितना है 3, तो 1 divided by 3 multiplied by 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या हुआ है कि 1 हमारा, 1 जो रेटिंग है वो 3 से कम है, वो टोटल कितना है 3, तो 1 divided by 3 उसको 100 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो आगे 33.33%। इसी तरीके से कैट के लिए भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3, 4 है, तो 2 जो है, एक रेटिंग जो है वो हमारा 3 से कम है, बाकी ये 3 है और ये 4 है, तो ये नहीं, बस एक जो रेटिंग है वो 3 से कम है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 divided by 3 into 100, तो यहाँ पे भी वही है 1 divided by 3 into 100 जो कि हमारा कैट का पुअर क्वेरी परसेंटेज है, ये भी 33.33%। तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाना है, हमें कॉलम का नेम इस तरीके से चाहिए, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, क्वेरी नेम हमारा एज इट इज़ कॉलम है, उसके बाद ये हमें अलियास करना पड़ेगा,
ठीक है। और उसके बाद जो पुअर क्वेरी परसेंटेज है इसको भी हमें क्या है अलियास करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो क्वेरी नेम और क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी हम लोग बेसिकली रेटिंग डिवाइड बाय पोजीशन कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट एवरेज ऑफ अपना रेटिंग डिवाइडेड बाय पोजीशन, ठीक है। ये डायरेक्ट ही हमारा निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्वालिटी, हमने डायरेक्ट ही एवरेज फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। और पुअर क्वेरी रेटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल जो भी हमारा यहाँ पर से आ रहा है वो, और उसमें से जो भी लेस देन थ्री वाला है उसको लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एवरेज, हमने यहाँ पे भी एवरेज फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, जो लेस देन थ्री वाला रेटिंग है बस उनको लेना है। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ में हम लोग क्या लगा सकते हैं, रेटिंग, ठीक है, रेटिंग लेस देन थ्री। अगर रेटिंग लेस देन थ्री है तो उस केस में हम लोगों को वन लेना है, अदरवाइज जीरो लेना है। तो ये चीज़ जो हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, वो जो है जो भी थ्री वाला जो रेटिंग होगा वो उसको वन करके काउंट कर लेगा और उसका एवरेज निकाल लिया जाएगा, और बाकी जो थ्री वाला नहीं है उसको जीरो मान लिया जाएगा। तो ये जो है एक साथ ही हमारा यहाँ पे ये काम हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये इसके नीचे आकर के हम लोग इसको लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेरीज, क्वेरीज का हमारा टेबल है, और इसको हम लोग को ग्रुप बाय भी करना है अपना क्वेरी नेम से, क्वेरी नेम, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और इसके बाद हमें कुछ ऑर्डर बाय नहीं करना था, हाँ हमें टू डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ ज़रूर करना था। तो यहाँ पे हम लोग एक राउंड फंक्शन लगा देते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर टू से क्लोज करेंगे, कॉमा देके यहाँ लिख देते हैं टू और ये क्लोज। और यहाँ पर भी सेम राउंड फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे कॉमा देके टू से, कॉमा टू क्लोज, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसको हम लोग रन करके चेक करते हैं, तो ये रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है क्योंकि, अच्छा 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, वन सेकेंड, यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 भी करना पड़ेगा तभी परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। अब रन करते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया हमारा जिस तरीके से। अब इसको सबमिट कर देते हैं, तो फिर से रॉन्ग आंसर आ गया। 12-13 में से 12 टेस्ट केस पास हुए हैं क्योंकि ये नल है और इधर ये, ओके। तो जो नल वाली चीज़ है मतलब अगर हमारे आउटपुट में क्या है कि अगर कुछ नल है वो भी शो हो जा रहा है। देखो जैसे कि यहाँ पे इनपुट है, इनपुट टेबल में क्वेरी नेम में इनपुट टेबल में अगर नल रहे तो हमारा आउटपुट में क्या है वो नल को शो करा दे रहा है, लेकिन हमें जो एक्सपेक्टेड है वो नल नहीं चाहिए, ठीक है। इनपुट टेबल में अगर नल रहा भी तो हमें वो नहीं चाहिए, इस तरीके से हमें कुछ लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं वेयर क्वेरी नेम इज नॉट नल, बस ये चीज़ हम लोग लिखेंगे। अब सबमिट करते हैं, बस वो नल को हटा देंगे तो हमारा सबमिट हो जाएगा। ये तो एक जो टेस्ट केस बचा हुआ था, हाँ वो भी पास हो गया हमारा, ये एक्सेप्ट हो गया। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।